सो गाइज, मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो मुझे चिकन खाने का मन कर रहा था। एंड फिलहाल तो आज मेरा एक ब्लॉग गया, आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी जाओ देख लो। एंड जस्ट उसी दिन का ये ब्लॉग है गाइज, रात का। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिकन खाने का मन कर रहा है तो मेरे हब यहाँ पे देखो चिकन बना रहे हैं। एंड चिकन नॉर्मली चिकन नहीं बना रहे, चिकन हांडी बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। एंड सो ये देखो सारा मसाला यहाँ पर निकाल रहे हैं, अभी नहीं निकला है बोल रहे हैं। तो आई नो कि अभी पूरा मसाला यहाँ पे नहीं निकला है, वो दिख रहे हैं क्या किसके लिए बना रहे हो पहले बताओ? तुम्हारे लिए। क्या बना रहे हो? चिकन हांडी। चिकन हांडी बना रहा है। तो गाइस हांडी देखिए, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। देखिए गाइस हांडी अभी जस्ट फिट लेके आए। एंड पता है आप लोगों को तो मालूम है ना, जो आप लोग अगर ब्लॉग देखोगे तो पता चल गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, बारिश में जाके हांडी फिर से लेके आए हैं। एंड तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे वो बना रहे। तो फ्रेंड मैंने सोचा ना कि चलो मैं आप लोगों को चिकन हांडी कैसे बनता है हम लोगों के घर में, तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे एक तरीका नहीं है, हम लोगों के घर में कम से कम 3-4 तरीके से चिकन हांडी बनाया जाता है। एंड आज का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये देखिए गाइस, पहले वो चिकन को हम लोगों ने धुल लिया है एंड इसको ऐसे कटिंग कर रहे हैं। ऐसे कटिंग करने से क्या होता है ना कि मसाला इसके अंदर चला जाता है। सो आप ये देखो, एंड यहाँ पर मिर्चा को कटिंग कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा आप मिर्चा बहुत टाइप से कटिंग कर सकते हो, बट ऐसे करोगे तो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है। एंड ये सारा खड़ा मसाला को फ्राई कर रहे हैं। एंड ये देखो सारा मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे हल्दी पहले डाला है उन्होंने। एंड यहाँ पे वो जिंगर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। सो यहाँ पे जिंगर गार्लिक का पेस्ट आप 1.5 चम्मच डालना, 1.5 चम्मच उन्होंने डाला है इसलिए। एंड वेनेगर यहाँ पे 1 चम्मच के 1.5 चम्मच के करीब उन्होंने डाला है। एंड इसको डालने के बाद ना थोड़ी सी सॉल्ट डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद इसे हम लोग मिक्सअप करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको फिर हम लोग थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। तो आप ये देखो गाइज, फ्रेंड ये देखिए मेरा बाबू भी मेरे साथ खाना बनाने आ गया। कब से पापा जी के पास खेल रहा था एंड अभी आ गया। ये देखिए, तुम भी खाना बनाएगी क्या? खाना बनाएगी, चिकन खाएगी क्या? सो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पता है बारिश जब मतलब बारिश होता है एंड जब रुक जाता है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है ना। एंड ये देखो ये क्या कर रहे हैं, लगता है पूरा सेफ ही बन गया है ना। आज का सेफ है हम। यस गाइस, इनको तो खैर खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है एंड बहुत टेस्टी भी बनाते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बीच बीच में मैं आप लोगों से बातें भी कर ले रही थी। एंड यहाँ देखिए गाइस, ये नॉन स्टिक का कढ़ाई है, बट ये ना पूरा मतलब बहुत दिनों से हम लोग बना रहे हैं ना, तो स्टिल वो अंदर का दिखने लगा है। एंड यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो हम लोगों ने चिकन डाल दिया है जैसे कि आप देख रहे हो। तो चिकन को पहले हम लोग फ्राई करेंगे, तो चलो देखो आप लोग। तो मेरे हबी तो यहाँ पर खाना बना रहे हैं एंड मैं अपने बाबू को लेके बैठी हूँ, बैठी नहीं हूँ, आप लोग से बातें कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब तुम क्या कर रही है, उंगली चूस रही है? ये देखो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो फ्रेंड। सो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे गाइस चिकन फ्राई हो चुका है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी सी मतलब उतनी भी रेड नहीं करनी है। तो बस उसको फ्राई करके एंड एक बॉल में रख लिया है। एंड यहाँ पे देखो जो खड़ा मसाला जो फ्राई किया हुआ था ना, उन्होंने उस सबको पीस लेंगे यहाँ पे। एंड पीसने के बाद ना कढ़ाई में तेल डाल के फिर इसमें मिर्चा डाल के प्याज को डालेंगे हम लोग एंड उसको फ्राई करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो। ऐसे मैंने अपने हबी को बोला था कि आप वॉइस ओवर कर देना, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं सोची चलो मैं ही कर देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। एंड ये सारा खड़ा मसाला पीसने के ऊपर से ना ये सारा प्याज एंड लहसुन जो फ्राई किया हुआ था ना वो सारा पीस रहे हैं। एंड ये देखिए गाइस, मेरा चिकन हांडी रखा गया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखो खड़ा मसाला थोड़ा सा उसमें भी डाल दिया गया है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो मसाला पिसा हुआ है ना तो तब तक उसको फ्राई करते रहना है। एंड ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए गाइस तेल पूरा निकल चुका है, तेल एंड मसाला पूरा अलग हो चुका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। एंड हम लोगों ने चिकन भी डाल दिया, चिकन को भी हम लोगों ने फ्राई कर लिया। सो ये देखिए बस पानी हम लोग, ये देखिए गाइस गोल मटोल रोटी बनाती हुई, ठीक है ये देखिए।
सो ये देखिए गाइस, ये हमारा चिकन एंड सैलेड एंड चावल रोटी सारा तैयार हो चुका है। कैसा लग रहा है चिकन गाइस, बताना मुझे कमेंट में ज़रूर, और आप लोग भी ट्राई करना एक बार। और मैं ना चावल ना रात में एक्चुअली क्या ना कि मैं चिकन और मटन के साथ मैं चावल खाती हूँ एंड मछली के साथ भी। सो चलो गाइस, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। सो बाय गाइस।